हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत सारी हेयर क्लिप्स। यस, आप में से बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि हेयर क्लिप्स की वीडियो कब आएगी। लो, हेयर इज द वीडियो। बल्क में वीडियो लाई हूँ तो पूरा एंड तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन सबसे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हियर इज द फर्स्ट वीडियो। इसमें हम बनाने जा रहे हैं स्टोन हेयर क्लिप, जिसके अंदर आपको एक बुकरम लेनी है या वैक्स स्ट्रिप लेनी है और इस तरीके से उसके ऊपर जो भी डिजाइन है वो ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टोन अच्छे से हर जगह मैंने पेस्ट कर दिए है। को अच्छे से और इनहेंस करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है राइनस्टोन चेन। इसके सेंटर से लेकर इसके चारों तरफ मैंने राइनस्टोन चेन अच्छे से स्टिक कर दी है ताकि और सुंदर लगे। और देख लो, ये सुंदर लग भी रहा है। सिक्योर करने के लिए मैंने एक और बार इसके ऊपर बुकरम अच्छे से लगा दिया। अच्छे से पेस्ट करने के बाद, कट करने के बाद मैंने यहाँ पे छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी किया। टाटा। अब फाइनली एलिगेटर क्लिप लगा के अब मैं इसको हेयर्स पे लगा सकती हूँ। वेलकम टू द सेकंड वीडियो, जिसके अंदर सबसे इजी हेयर क्लिप बनाने वाले हम। ये बिल्कुल इजी है। आपको क्या करना है, सिल्क फैब्रिक लेना है और उसको अच्छे से सर्कल शेप में कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे 5 सर्कल लिए हैं और इस तरीके से हाफ हाफ सर्कल एक दूसरे से अटैच करके सुई और धागे से अच्छे से मैंने इसको स्टिच कर दिया है। और सेम प्रोसेस बाकी 3 में भी ऐसे ही रिपीट करना है। और दोनों साइड के एंड्स को भी इस तरीके से स्टिच कर देंगे। अरे रुको रुको, थ्रेड कट मत करना, उसको इस तरीके से पुल करना ताकि एक अच्छा सा फ्लावर बन के निकले। और अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए मैंने सेंटर में यहाँ पे पर्ल बीड ऐड कर दिया है सुई धागे से और नॉर्मल हेयर क्लिप को बना दिया हमने स्टाइलिश हेयर क्लिप। लहरिया का सीजन आ गया है और मैं बोहो हेयर क्लिप नहीं बनाऊं, ऐसा हो सकता है? No. तो मेरे सूट से मैच करता हुआ सेम फैब्रिक मेरे पास पड़ा था तो मैंने उससे इस तरीके से बोहो हेयर क्लिप बना लिया। इसको बनाना बहुत इजी था। इसको भी सुई धागे से अच्छे से स्टिच कर लेना है। और अच्छे से टेल जैसा लुक क्रिएट करने के लिए मैंने नीचे की साइड एक फैब्रिक लिया है, सेम तरीके से आप भी ले लीजिएगा। और उसके बाद मैंने इसको इसके नीचे जस्ट बो के नीचे मैंने स्टिच कर दिया है। और फाइनली इसको एलिगेटर क्लिप से अटैच करके इसको रेडी कर लिया मैंने। वैसे मैंने आपको जितनी भी हेयर क्लिप्स डिजाइन बताई है इस वीडियो में, वो आप एक ड्रेस के ऊपर लगा के भी स्टाइल कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल वीडियो, जिसके अंदर मैंने लिया है एक वेलवेट फैब्रिक जिसको इस तरीके से मैं बो लुक में कन्वर्ट करने वाली हूँ। वैसे एक बात तो है, पूरी वीडियो से आपने एक चीज तो सीख ली, क्या? बो हेयर क्लिप बनाना। लेकिन इसमें मुझे एक दिक्कत आई क्योंकि बहुत ज्यादा थिक हो गया था, तो आप इसकी सिंगल लेयर ही लेना। मैंने यहाँ पे डबल लेयर ले ली थी तो जिस वजह से मुझे इसको बीच में सलवट देने में बहुत दिक्कत आई थी। आप इसको सिंपल रखना चाहो तो सिंपल भी रख सकते हो या इसके ऊपर कुछ और भी अटैच कर सकते हो। अब मैं लास्ट में हेयर क्लिप लगाने जा रही हूँ और हेयर क्लिप ना दिखे इसलिए मैंने इस तरीके की ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ। आपको एक स्ट्रिप लेनी है, बोथ साइड कट लगाना है अकॉर्डिंग टू योर हेयर क्लिप और फिर उसको इस तरीके से डाल देना है हेयर क्लिप को।
और हेयर क्लिप के अपर साइड के पार्ट को मैंने ग्लू लगा के अच्छे से बो को अटैच कर दिया है। नाउ हियर इज द रिजल्ट। और इसको और इनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है राइनस्टोन चेन, दोनों साइड से इस तरीके से स्ट्रिप वाइज मैंने लगा दी है, थोड़ा और अच्छा चाहिए था मुझे। एक मैंने पहले बना ली थी जो बहुत अच्छे से बना था, मैंने सिंगल लेयर ली थी इसके अंदर और इसमें डबल लेयर ली थी, तो दोनों में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। So that's it for today. How much you like my all video? Tell me in my comment box. And which one you like the most? Tell me in my comment box. Bye.